दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ सीएमजे फैमिली में। और अगर अभी तक आप इस सीएमजे फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। और विंड नॉइस आज काफ़ी ज़्यादा है, हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसीलिए चलते हैं बाइक पर बातें करते हैं। आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, उन बादलों के पीछे देखो आप सूर्य दिख रहा है। और आज दो दिन से ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, अच्छा ठंड बढ़ा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों की तरफ कैसा है ठंड? और आज का वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने विजन की बात करी है, सपनों की बात करी है, और मुझे लगा था कि शायद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा आप लोग जिस तरीके से इस सीएमजे फैमिली का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, अल्टीमेट है। होता क्या है, परिवर्तन हमेशा कठिन होता है और लोग परिवर्तन से डरते हैं। जो चल रहा है चलने दो, परिवर्तन अपने आप में तकलीफ दे महसूस होता है, लेकिन कई बार परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अपने आप में परिवर्तन किया, मैंने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया और मेरे चैनल पे परिवर्तन हुआ। इन डेली व्लॉग्स के आने के बाद में मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, मेरे अंदर भी बहुत परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। तो हमारी सीएमजे फैमिली के पुराने सदस्य जो पहले मुझे सब्सक्राइब किए थे होंगे इन्फॉर्मेशन वीडियो वगैरह देखने के लिए, उन्हें दुख हो रहा होगा या फिर उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होगा अभी इतना ज़्यादा। तो मैं मेरे फैमिली के पुराने सदस्यों से सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि भविष्य में इन डेली व्लॉग्स के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और डेली व्लॉग्स के शक्ल में इन्फॉर्मेशन शेयर करने में शायद और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखते हैं अभी भविष्य में क्या होता है। परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। तो आज है बुधवार और बुधवार को हमारे यहाँ बागबहार में बाज़ार लगता है। मैंने कल के वीडियो में जो विजन की बात करी, मैं दोबारा शायद बार बार नहीं बोलूँगा, हम लोग अपना काम करेंगे और मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरटेनिंग व्लॉग्स बनाता रहूँगा। मैं ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, तो आप लोग चिंता मत करिए कि चिंतामणि बार बार पकाएगा। बस मुझे लगा कि मैं अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने शेयर कर दी। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि स्लो मोशन वगैरह, तो स्लो मोशन आज सुबह मैंने अपने गोप्रो से काफ़ी सारे स्लो मोशन शूट किए थे। स्लो मोशंस मैंने 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम्स पर सेकंड में किए थे, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो बस 30 फ्रेम्स पर सेकेंड ही सपोर्ट करता है। तो फिलहाल स्लो मोशंस नहीं मिलेंगे, टाइम लैप्स मिलेंगे और स्लो मोशंस वगैरह सब कुछ, सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करता रहूँगा। धीरे 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 ये व्लॉग्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा, और जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा वैसे वैसे और बढ़िया और मज़ा आते जाएगा आप लोगों को वीडियोस देखने में। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि गांव में बाज़ार कैसे लगता है। आप जैसे देख पा रहे हो, सारे ग्रामीण किसान सभी आज बागबहार आए हुए हैं क्योंकि बाज़ार है। ये जो है ये बंदे बेच रहे हैं हमारे चूहे मारने की दवा, और ये कपड़े वगैरह, चप्पलें, फुटवेयर और सब्जियां, ये सब जो लोकल किसान है अपना फसल, अपनी सब्जियां वगैरह लेके आते हैं। हफ्ते में एक बार यहाँ बाज़ार लगता है बुधवार को। बस मैंने सोचा कि आप लोग शहर वालों को गांव का बाज़ार दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो बाज़ार है यहाँ के गांव के ग्रामीणों की एक लाइफलाइन है। क्योंकि सिर्फ बुधवार को ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बाज़ार में मिल जाती है, और ख़रीदने के साथ साथ जो ग्रामीण हैं इन बाज़ारों में अपना फसल और जो कुछ भी है वो बेच पाते हैं, और यहाँ पर की जो अर्थव्यवस्था है चलती रहती है। बस अभी हम लोग जितनी देर चले बस वही था बाज़ार, लगभग 200-300 मीटर के रेंज में बाज़ार लगता है।
और हाँ मेन बाज़ार के आउटसाइड में ये कुछ नॉनवेज का भी बाज़ार है, फिश चिकन ETC यहाँ पे मिल जाते हैं। और हो गया हमारा बाज़ार ख़त्म, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा गांव का बाज़ार देखने में। ये घर गृहस्थी का सामान मनोज भी आए हैं, ये मनोज गुप्ता जी, घर वर का सामान भी मेरे को लेके जाना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूबर है बढ़िया वो लाइफ है, एकदम आम जिंदगी है हमारी। घर जाने के लिए ये जो टिकट है लेके जाना पड़ता है। ज्योति बोली थी कि हैंड वॉश खत्म हो गया है लेके आना, ये है हमारी आम जिंदगी डे टू डे लाइफ। कल के इस वीडियो में जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स हैं वो है गियरलेस व्हील्स, और ये कहते हैं जिनको भी CMJ जी का फ्यूचर विजन अच्छा लगा और आप सब सपोर्ट में हो तो मेरा कमेंट लाइक कीजिए, अभिषेक। और इनको मिले हैं, वीडियो पब्लिश अभी किया है कुछ ही समय बाद, इनको अभी मिले हैं 15 लाइक्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक भाई। आप मुझे आपका फेसबुक प्रोफाइल का ID मैसेज करिए, रिप्लाई करिए कमेंट में, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। और अभिषेक जी आपको हम लोग प्यार से भेज रहे हैं क्या, व्हाट्सएप की रिंग, तो ये प्यार भरा उपहार आप स्वीकार करिए। और आज के इस वीडियो में जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उनको क्या मिलेगा, ये स्कार्फ। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और मेरा बस चले तब तो मैं सभी के लिए, जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सभी के लिए ये उपहार भेजूं, लेकिन संभव नहीं है। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जो सपोर्ट दे रहे हो CMJ फैमिली की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी मुझे आज एक गिफ्ट मिला है, और वो गिफ्ट क्या है देखते हैं, दिखा बेटा। और यह है, अभी तक इसके अंदर क्या है खोल के नहीं देखा है मैंने, ये हमारे कौतुक जी ने भेजा है, और ये है दहीसर से। थैंक यू वेरी मच कौतुक भाई ये भेजने के लिए, और अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तू अनबॉक्सिंग करेगा, कर हाँ ये कट करें यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या हो सकता है गोलू, ले खोल के देख क्या है इसके अंदर, कैमरे में दिखा देखो। अरे वाह, डब्बे के अंदर डब्बा, और क्या है इसमें देखते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या है ये, अरे वाह, मोबाइल का कवर, क्या बात, और ये तो कस्टम कवर है, वाह, थैंक यू वेरी मच भाई। अरे वाह, दोनों फोन के लिए, कौतुक भाई को ये भी पता है कि मेरे पास एक रेडमी, अरे वाह, तीन कवर भेजे हैं इन्होंने, दिखा बेटा ये वाला। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच कौतुक भाई, इन मोबाइल कवर के लिए, मेरे मोटो के लिए भी हो गया, मेरे रेडमी के लिए भी हो गया, और एक एक्स्ट्रा भी है। कैसा है गोलू, देख पकड़ के देख, अच्छा है, ये मोटो का कवर अच्छा है। हाँ देखा, रेडमी वाला कवर अभी लगा लेते हैं, ये वाला है रेडमी का कवर, पकड़ इसको। और मोटो का कवर भी मैं अभी ही लगाऊंगा इस सूट के बाद, अभी क्या है मोटो में ही सूट हो रहा है, तो ये सूट खत्म होने के बाद में मोटोरोला में भी मैं अपना कवर लगा दूंगा। क्या बात, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच भाई कौतुक भाई। तो अब सूट समाप्त करते हैं, मैं मोटोरोला में भी ये कवर लगाता हूँ, मेरे मोटो G5 Plus जिससे अब ये सूट हो रहा है उस पर भी कवर लगाता हूँ, अब तो रहा नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हो अनमोल है, और अगर अभी तक आप CMJ फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप सबका स्वागत है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और CMJ फैमिली का हिस्सा बनिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आया होगा। राइट सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, जय हिंद, जय भारत।